हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट बर्ड मैकाओ, इसका बेबी और जो एडल्ट बर्ड होता है उसका जो प्राइस क्या क्या मार्केट में अभी चल रहा है, तो इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये सब बर्ड आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलेगा। इनके लिए आपको सेलर या ब्रीडर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये सब बर्ड ले सकते हैं। तो इस बर्ड का प्राइस कितना है, बहुत सारा लोग मुझे कमेंट किया है, तो फाइनली मैं इस वीडियो बना रहा हूँ कि 2024 में मैकाओ बर्ड का मार्केट में क्या क्या प्राइस चल रहा है। दोस्तों, मैकाओ जो बर्ड है पूरा वर्ल्ड में लगभग 21 प्रजाति का पाया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में बस 8 से 9 प्रजाति का मैकाओ बर्ड इंडिया में मिलता है। इंडिया में जो मैकाओ स्पीशीज पाया जाता है उन्हीं सब स्पेसिस का प्राइस मैं इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं। तो दोस्तों, और देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन सी मैकाओ आपको मिल जाएगा और कितने कितना प्राइस में आपको बेबी या एडल्ट बर्ड मिल जाता है। दोस्तों, मैकाओ बर्ड इंडिया में सबसे कम कीमत में जो आता है वो 60,000 रुपये से स्टार्ट होता है और सबसे ज़्यादा लगभग आपको 40 से 44 लाख तक चला जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि इंडिया में हर एक स्टेट वाइज इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। आप कौन सी स्टेट में रहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस स्टेट का जो एक्चुअल प्राइस है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो अभी जो मार्केट में मिलता है सबसे कम कीमत वाला जो मकाओ है वो है हंस मकाओ। ये मकाओ बर्ड में सबसे छोटा किस्म का बर्ड होता है और इसका जो प्राइस है वो भी थोड़ा सा लो ही होता है। तो हंस मकाओ का अभी जो प्राइस है वो 60,000 से लेके 90,000 तक ये एक पीस का आता है। अगर आप एडल्ट हंस मकाओ का एक प्यार लेना चाहते हैं तो आपको 2 लाख से 2 लाख 20 हज़ार रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। यह है सबसे कम कीमत वाला हंस मकाओ। इसके बाद दोस्तों आते हैं वन ऑफ द फेवरेट मकाओ जो है ब्लू एंड गोल्ड मकाओ। ये मकाओ आपको इंडिया में हर एक जगह मिल जाएगा और ये दिखने में बहुत खूबसूरत है। इसका जो ऊपर का विंग है वो आपको नील कलर का मिलेगा और इसका जो नीचे का जो साइड है वो आपको गोल्डन कलर का मिलता है, इसलिए इन मकाओ का जो नाम है ब्लू एंड गोल्ड मकाओ। और इसका अभी मार्केट में जो बेबी का प्राइस चल रहा है एक पीस, तो एक पीस बेबी आपको 1,30,000 से 1,80,000 के बीच आपको एक पीस बेबी मिल जाएगा। और अगर आप एडल्ट पेयर लेना चाहते हैं तो आपको 3,80,000 से 4,00,000 रुपये तक आपको खर्च करना पड़ सकता है एक पेयर ब्लू एंड गोल्ड मकाओ लेने के लिए। नेक्स्ट जिस मकाओ के बारे में बताएंगे वो है सार्विन मकाओ। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत एक मकाओ होता है और इसका भी प्राइस जो है वो ब्लू एंड गोल्ड मकाओ की तरह ही होता है। इसका भी प्राइस 1,30,000 से 1,60,000 के बीच आपको एक बच्चा मिल जाएगा। और अगर आप एक पेयर लेना चाहते हैं तो आपको 3,50,000 से 4,00,000 के बीच एक पेयर मिल जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत एक मकाओ होता है जो कि आप घर में ईजीली ऐसे पेट आप पाल सकते हैं। इसके बाद जिस बर्ड के बारे में बात करेंगे वो है रेड एंड ग्रीन विंड मकाओ। ये भी दोस्तों ऊपर का जो साइड होता है वो ग्रीन कलर का होता है और नीचे का जो साइड है वो रेड कलर का आता है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो बर्ड है वो इंडिया में आपको हर एक जगह अवेलेबल भी मिल जाएगा। तो इन बर्ड का जो प्राइस है वो दोस्तों 4,50,000 से 5,00,000 रुपये के बीच एक पीस बेबी मिल जाएगा।
और अगर आप एक पीआर लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 9 लाख से 10 लाख रुपया के बीच आपको एक पीआर रेड ग्रीन विन मकाओ मिल जाएगा। ये दोस्तों देखने में बहुत बड़ा है और ये जो है मकाओ ये बहुत ही फ्रेंडली मकाओ होता है। अगर आप घर में पालना चाहते हैं तो आप बेशक इस बर्ड को पाल सकते हैं। नेक्स्ट जिस मकाओ के बारी है वो है स्कारलेट मकाओ। दुनिया के हर रंग इस मकाओ में फूट फूट के भरा है। दोस्तों ये जो मकाओ है वो बहुत ही खूबसूरत मकाओ है। और ये बर्ड आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है क्योंकि इस बर्ड का प्राइस बहुत ही ज्यादा है, जो कि इस बर्ड का अगर आप एक बेबी लेना चाहते हैं तो आपको 6,80,000 से 7,50,000 रुपये के बीच एक पीस बेबी आता है। और अगर आप इसका पेयर लेना चाहते हैं तो आपको 12 से 14 लाख रुपये तक इसका एक पेयर आता है। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव बर्ड है और इसीलिए ये जो बर्ड है वो इंडिया में ज़्यादातर आपको नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए बड़ा ब्रीडर या बड़ा सेलर के साथ बात करना पड़ेगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हैं तो दोस्तों मैं आपको ब्रीडर या सेलर से आपको कांटेक्ट करा दूंगा। आप वहाँ से आप देख के बर्ड का या बर्ड का बेबी ले सकते हैं। नेक्स्ट जिस मकाओ के बारे में बताएंगे वो दोस्तों है हायसिंथ मकाओ। ये जो बर्ड है ये दुनिया के सबसे बड़ा एक बर्ड में से एक है और इस बर्ड का प्राइस भी बहुत ही बड़ा है, जो कि आपको 40 से 44 लाख तक एक पेयर आपको हायसिंथ मकाओ मिल जाएगा। ये मकाओ प्रजाति में सबसे बड़ा बर्ड होता है और इसका चोंच भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ये जो बर्ड है आपको 80 से 90 साल आपको आसानी से ये जी लेता है। और ये जो बर्ड है ये बहुत ही फ्रेंडली बर्ड होता है और ये बर्ड इतना ज़्यादा कीमत होने के कारण इंडिया में गिने चुने कुछ लोगों के पास ही आपको हायसिंथ मकाओ देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत ही एक्सपेंसिव बर्ड होता है। एक पेयर बर्ड के लिए 44 लाख रुपया तक खर्च करना हर किसी का बस का बात नहीं है। तो इसलिए ये जो मकाओ है वो इंडिया में बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको ये बर्ड पसंद है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है। और अगर आप ये सब बर्ड लेना चाहते हैं तो भी आप कमेंट लिखिए। मैं इनका जो नंबर है, इनका जो सेलर का या ब्रीडर का जो नंबर है, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये जो बर्ड है, ये बर्ड बहुत सारे लोग बोलते हैं मकाओ बर्ड का कीमत इतना ज़्यादा क्यों है। तो बर्ड जो है वो बहुत ही फ्रेंडली होता है, एक अच्छा पेट होता है, थोड़ा बहुत बात भी कर लेता है और ये बहुत ही बड़ा आकार का ये बर्ड होता है। और इसका जो है वो ब्रीडिंग सीजन जो होता है, ब्रीडिंग ये 8 से 10 साल बाद ये ब्रीडिंग करता है और इसी वजह से इसका बच्चा या पेयर का कीमत इतना ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है और कौन से मकाओ आप ज़्यादा पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।